हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ रब की दुआ से ठीक होंगे। आपको ग्लास टाइप स्किन, अगर कोरियन स्किन चाहिए जैसे कि कोरियन लोगों की स्किन होती है, तो बहुत सिंपल टिप है। आपका फेस देखिए, आपके एक्ने, आपके डार्क सर्कल्स, आपके जो पैची स्किन है वो पूरी क्लियर हो जाएगी। एकदम सिंपल है टिप, क्योंकि आपने देखा होगा मेरी टिप सारी जो सिंपल होती है और सब कुछ हमारे किचन में होता है, तो उसके लिए हमें ज़्यादा मेहनत करने की, ज़्यादा पैसे खर्चे करने की ज़रूरत नहीं होती। राइस फ्लोर जो है, चावल का आटा इतना अच्छा है। राइस वाटर जैसे बालों के लिए बोलते हैं बहुत अच्छा है, वैसे चावल का आटा बहुत अच्छा है फेस के लिए। चावल का आटा आप ले लीजिए। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप उसमें ग्लिसरीन मिक्स कीजिए। 2 चम्मच चावल का आटा, 1 चम्मच ग्लिसरीन और 1 चम्मच रोज़ वाटर, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो। और उसमें आप वो मिक्स करके फेस पे अप्लाई करिए और 15 to 20 मिनट्स के बाद आप उसको धो लीजिए। जब आपका पैक सूख जाता है वो मास्क, तो आप उसको फेस वॉश कर लीजिए एंड सी द ग्लो, कितना अच्छा लगेगा आपको, एकदम स्मूथ स्मूथ। और अगर आपका फेस बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप ग्लिसरीन मत यूज़ कीजिए, क्योंकि ग्लिसरीन फिर बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाएगा और आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा पिंपल्स आ जाएं या आपके दाने आ जाएं या उस चीकट की वजह से आपके एक्ने प्रॉब्लम बढ़ जाए। तो आपकी अगर फेस ऑयली है तो उसके लिए आप उसमें ओलिवेरा जेल डाल दीजिए। राइस फ्लोर 2 स्पून, ओलिवेरा जेल 1 स्पून, 1 स्पून रोज़ वाटर, और आपको मिक्स कर लीजिए उसको एक पेस्ट की तरह और अप्लाई कीजिए। अगर एक्स्ट्रा बन गया है तो कोई बात नहीं, उसको आप एक डब्बी में डाल के कांच, मेक श्योर कि यू आर कीपिंग इन द ग्लास बॉटल। ग्लास बॉटल के अंदर कभी भी ये सब चीज़ें जो आप फेस से रिलेटेड है, क्रीम्स हैं, आपकी मेडिसिन्स हैं, मेक श्योर कि वो चीज़ें आप ग्लास बॉटल में रखते हैं, प्लास्टिक की बॉटल में नहीं रखते। तो इसके लिए जब आप ग्लास बॉटल में रख दीजिए उसको, और नेक्स्ट डे भी आप अप्लाई कर सकते हो, नहाने से पहले या रात को घर आने के बाद या रात को जब भी आपको टाइम है। तो आप एक बात ध्यान में रखिए, ड्राई स्किन है तो ग्लिसरीन एंड रोज़ वाटर राइस फ्लोर के साथ मिक्स कीजिए, और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप उसमें ओलिवेरा जेल डाल दीजिए और रोज़ वाटर डाल दीजिए। फिर देखिए कमाल आपकी स्किन का। इन दिस पॉइंट ऑफ एज मुझसे पूछते हैं कि आपकी स्किन पे एक शाइन क्यों है, तो बिलीव मी, कुछ क्रीम्स या मैं कुछ ऐसा नहीं यूज़ करती हूँ। मेरे पास घर में जो कुछ है मैं उसी से अपना सब कुछ कर लेती हूँ, अपना देखभाल, स्किन का, हेयर्स का, सब नेचुरल थिंग्स। आर्टिफिशियल चीज़ें या पार्लर्स में जाके या स्पाज में जाके मैं बहुत पैसे बर्बाद नहीं करती हूँ। आई बिलीव कि हमारे किचन में ही सब कुछ है, तो खजाना जब हमारे घर में ही है तो हम बाहर क्यों पैसे बर्बाद करें, है ना? आप लोग सब अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।